हेलो दोस्तों, ये नोकिया है, नोकिया 225। इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग नहीं लेता है। पहले इसको इसने सेंस किया था, अभी देखिए इसका चार्ज नहीं लेता है। देखिए चार्जिंग नहीं लिया है, मैंने चार्जिंग पिन चार्जर लगाया है, चार्जिंग पिन खराब होगा शायद, उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा शायद। देखिए दूसरा चार्जिंग केबल लगा के देखता हूँ, इसमें भी देखिए चार्जिंग शो नहीं हो रहा है। अभी उसको मैं खोलूँगा, नया पिन लगाऊँगा। नोकिया 225 है ये, मॉडल नंबर देखिए। पहले सिम स्लॉट खोल लेता हूँ और केसिंग को भी खोलना पड़ेगा। सारे स्क्रू रहता है, देखिए एक स्क्रू नहीं है इसमें, तीन स्क्रू खोलना पड़ेगा। फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी बोर्ड को कैसिंग को खोलूंगा, बोर्ड को निकालूंगा। नोकिया 225 है, चार्जिंग का इशू है। देखिए मैं पहले इसको खोल लेता हूँ। उसके बाद देखिए खुल गया है। अब इसका डिस्प्ले कनेक्टर और कीपैड का कनेक्टर दोनों खोलना पड़ेगा, साइड में दिया हुआ है, इसको खोल लिया है। अभी मैं डिस्प्ले को खोलूंगा, क्लिप को हटाना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए पिन को पहले बताया था, अभी मैं इसको दूसरा पिन लगाऊंगा। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, थोड़ा ग्लो लगाऊंगा इसमें। देखिए साइड में थोड़ा ग्लो लगाऊंगा और तैयार ज्ञान की मदद से उसको निकालूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, इसको लीड लगा दिया है, अभी इसको निकालूंगा। उसको हीट करना पड़ेगा पहले थोड़ा थोड़ा। देखिए ये निकल गया है, अभी नया पिन बैठाऊंगा इसमें। पहले इसको क्लीन करना जरूरी है, इसका लाइनिंग अच्छे से निकालना जरूरी है, साफ करके उसको नया पिन दिखाऊंगा। देखिए उसको थोड़ा पिन बराबर है, तो लीड लगाना पड़ेगा, तो क्लीन करना जरूरी है। पिन तभी तो दिखेगा अच्छे से, उसमें पांच पिन रहता है। ये वाला पिन को बैठाऊंगा, पिन में इसको निकालना जरूरी है, ये ऊपर वाला पिन को निकालना पड़ेगा। नहीं तो अच्छा से बैठेगा नहीं, इसीलिए उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकाल दिया, इसको बैठाऊंगा अभी, देखिए पिन बराबर बैठा है कि नहीं। उसको देखने के बाद लीड लगा के उसको लगाना पड़ेगा।
इसको प्रेस लगाऊंगा तभी ये आराम से बैठ जाएगा। थोड़ा लीड लगा देता हूँ क्योंकि ये लीड लगाने से दोनों की साइड में अच्छे से लग जाएगा। लीड लगा दिया आराम, थोड़ा थोड़ा लीड लगा दिया। अब इसको हथियार ज्ञान की मदद से उसको लगाऊंगा। थोड़ा प्रेस लगाना पड़ेगा पिन में, कोड का पिन में प्रेस लगाना पड़ेगा लिंक पे। वैसे अभी इसको थोड़ा प्रेस करके उसको हॉट एयर गन की मदद से उसको लगाऊंगा। देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, देखिए मैं हिट कर रहा हूँ। पूरा पिन बैठ गया है, अभी इसका करंट देखूंगा। तीन बॉल सर बॉल समथिंग आने से उसका चार्जिंग के लिए चार्जिंग हो जाएगा। देखिए उसका मैं उसका पिन को रील लगा देता हूँ। लीड लग गया है, अभी उसको टेस्ट करूंगा। देखिए इसको तीन बलून समथिंग आने से उसका, देखिए इसमें कितना वोल्टेज आया है। देखिए 3 समथिंग वोल्टेज आ गया, मतलब ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये ऑन हो जाएगा बोर्ड 100%